हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवन टेक्नोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी कमाल की है क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताने वाला हूं, एलेबोरेट करने वाला हूं, जिससे आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। तो आज मैं ब्रॉडबैंड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ब्रॉडबैंड में कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा प्लान आप लोगों के लिए सुटेबल पड़ेगा, क्या आप लोगों को अनलिमिटेड प्लान की ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर अनलिमिटेड प्लान जो ये ब्रॉडबैंड वाले देते हैं या जितने भी ISPs हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ISPs का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ISPs का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, या एयरटेल है या BSNL है या कोई भी जियो फाइबर है या जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर आपसे बोलते हैं वो कि हम आपको इतने रुपए में अनलिमिटेड प्लान देंगे, तो क्या वो सच में अनलिमिटेड प्लान होता है? क्या अब कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि वो अनलिमिटेड प्लान सच में है? जी फ्रेंड्स, वो नहीं होता है। मैक्सिमम इंटरनेट प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, जो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, लोकल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह पर जियो फाइबर नहीं पहुँच पाया है, हर जगह पर BSNL के ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं है, हर जगह पर एयरटेल के ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं है, तो जो भी लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्या वो सच में अनलिमिटेड प्लान देते हैं? तो वो नहीं देते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो 3.3 TB तक का डाटा आप लोगों को देते हैं, यानी कि हो गया 3300 GB तक का। जी हाँ, 3300 GB तक का डाटा देते हैं, और ये पूरी तरीके से उन लोगों को पता होता है कि 3300 GB ये एक मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और उसी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स उस प्लान को नाम दे देते हैं अनलिमिटेड प्लान। जी हाँ फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ब्रॉडबैंड में सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा प्लान लें, तो उसके पहले, ब्रॉडबैंड लगवाने से भी पहले, आप सबसे पहले अपनी एक डायरी और पेन लेकर के सारे जितने भी वर्किंग आपके इंटरनेट से रिलेटेड है, आप उसको शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। ठीक है, कि आपको इंटरनेट पे ये काम करना है, ये काम करना है, ये डाउनलोड करना है, ये काम करना है, ऑनलाइन ये काम करना है, ये काम करना है, सारी चीज़ें आपके पास एकदम शॉर्ट लिस्टेड होकर के आ जाएंगी जब, तो आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा एक महीने के अंदर कितना डाटा कंज्यूम होगा। ठीक है, अगर वो डाटा आपके मोबाइल डाटा से वो चल जा रहा है, तो आप मोबाइल में ही अपना डाटा भरवाइए, अनलिमिटेड प्लान या ब्रॉडबैंड की तरफ आप मत बढ़िए। वो इसलिए कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आकर के ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो लगा देगा और प्लान भी दे देगा आपको अनलिमिटेड प्लान कह करके, लेकिन वो असलियत में अनलिमिटेड प्लान नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जब तक आपका इंटरनेट कंजम्पशन 1000 TB तक का नहीं है, तब तक आप लोग अनलिमिटेड प्लान की तरफ मत भागे। ठीक है, हालांकि ये लोग इतने लुभावने ऑफर्स रखते हैं कि लोग अनलिमिटेड प्लान की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि एक महीने का जो प्लान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज का होता है, और 2 महीने का प्लान थोड़ा कम होता है, और 3 महीने 4 महीने का प्लान अगर जो होता है अनलिमिटेड का, वो सस्ता पड़ जाता है, इसलिए लोग अनलिमिटेड प्लान की तरफ रुझान रखते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरनेट कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है कि महीने भर में मेरा 30 GB या 40 GB से ज़्यादा मेरा खर्चा नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, तो आप ब्रॉडबैंड की तरफ मत भागिए, आप मोबाइल में ही नेट डलवा करके, क्योंकि आजकल सभी के मोबाइल 4G हो गए हैं, कोई भी अब 3G पर काम नहीं करता है, तो ये सारे मोबाइल सारे मतलब कनेक्शन जितने भी हैं सब बहुत ही स्मूथली काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, कहीं पर कोई भी इसमें हिंड्रेंस नहीं होती है। इसलिए आप देख लीजिए, अगर 1000 TB तक आपका खर्च है, कंजम्पशन है एक महीने का, तभी आप अनलिमिटेड प्लान की तरफ भागिए, तभी आप अनलिमिटेड प्लान लीजिए अपने ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी सारी जानकारी जो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, और आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर आप अनलिमिटेड प्लान की तरफ भाग रहे हैं, आप पहले देख लीजिए कि आपका डाटा कंजम्पशन एक महीने में कितना हो रहा है, वो आप सारी डिटेल्स अपनी शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि आपको कितना ज़्यादा इंटरनेट का काम है। अगर ज़्यादा इंटरनेट का काम नहीं है, तो आप इसी से आप काम कर सकते हैं, किसी भी ब्रॉडबैंड सर्विस की तरफ आप मत बढ़िए। ठीक है, बाकी मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ब्रॉडबैंड सर्विस खराब है या कोई भी ब्रॉडबैंड सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन वो सारी चीज़ें आप अपनी पॉकेट को देखते हुए और अपने कंजम्पशन को देखते हुए लेकर के चलिए। ठीक है, बाकी यही सब बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और आप लोगों को बताना चाहता था। आज मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि देखिए फ्रेंड्स, ठंड बहुत ज़्यादा आ चुकी है, बहुत जोर शोर से आ चुकी है, इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पहने ओढ़े रहिए, पूरा ढके रहिए, कवर किए रहिए अपने आप को। देखिए मैंने मफलर वफलर डाल रखा है, क्योंकि बंद कमरे में हो लेकिन तब भी चिल्ड है यहाँ का तापमान, यहाँ का टेम्परेचर तब भी चिल्ड है, इसलिए आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उनका भी जरूर ध्यान रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।